हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे इंडिया पेस्टिसाइड के आईपीओ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम कंपनी की बात करें तो ये कंपनी 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो यानी कि 36 से 37 ईयर्स का यहाँ पे मार्केट प्रेजेंस इस कंपनी का हो चुका है। अब देखिए कंपनी काम क्या करती है, तो देखिए कंपनी एग्रोकेमिकल्स को मैन्युफैक्चर करती है। अब एग्रोकेमिकल्स में कंपनी के दो वर्जन्स है, यानी कि दो वर्टिकल्स में बिजनेस काम करता है। एक तो है टेक्निकल्स और दूसरा है फॉर्मुलेशन। अब टेक्निकल्स में क्या क्या आता है, तो देखिए टेक्निकल्स में फॉल्पेट, थायकार्बामेट एंड हर्बिसाइड। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी तीन टेक्निकल्स हैं, ये पूरे इंडिया के अंदर ये अकेली ऐसी कंपनी है जो ये तीनों टेक्निकल्स को मैन्युफैक्चर करती है। तो देखा जाए तो इन तीनों प्रोडक्ट में कंपनी की मोनोपोली भी है। अब इसके बाद अगर हम फॉर्मुलेशन की बात करें तो कंपनी 30 से भी ज़्यादा फॉर्मुलेशन बनाती है। तो देखिए ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, तो कभी किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा रहती है और कभी किसी की कम रहती है, तो उसके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू एडजस्ट हो जाता है। अब इसके बाद अगर हम कंपनी की एक और खास बात की बात अगर हम करें तो देखिए जो कंपनी के टेक्निकल्स हैं वो 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, यानी कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट भी होते हैं, यानी कि सिर्फ डोमेस्टिक कंट्री, यानी कि अपने इंडिया के अंदर ही इन प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। कंपनी की ये एक बहुत अच्छी बात है। और आपको पता होना चाहिए कि जो टेक्निकल सेगमेंट है, मतलब जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है, उसमें से 62% का कंपनी का रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे टेक्निकल से मेन बिजनेस, मतलब अगर हम देखें तो 62% का रेवेन्यू कंपनी को टेक्निकल से मिलता है और 38% का रेवेन्यू फॉर्मुलेशन से आता है। और जो फॉर्मुलेशन हैं वो जो कंपनी के जनरली जो इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर ही वो बिकते हैं, मतलब सेल होते हैं। अभी हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो अभी कंपनी के फिलहाल दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, एक तो देवा रोड लखनऊ के अंदर और जो दूसरा है वो है संदीला हरडोई के अंदर। तो अभी फिलहाल कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। और अगर हम इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो 19,500 मिलियन टन की तो एक जगह पर, और जो दूसरे जो फॉर्मुलेशन वाली है वहाँ पर 6,500 मिलियन टन का वहाँ पर कंपनी का कैपेसिटी है। तो देखिए अभी दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और कंपनी ऐसा बोल भी रही है कि आने वाले कुछ टाइम पे वो और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने वाले हैं। अब देखिए कंपनी की ताकत क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 पे ये कंपनी का नाम आता है। जो इसके टेक्निकल से उसमें टॉप 5 ग्लोबल प्लेयर्स में से ये कंपनी एक है। तो देखिए ग्लोबल में बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी जो ऐसे टेक्निकल्स बनाती होंगी, और उसमें अगर टॉप 5 में ये कंपनी आ रही है तो कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड खासी बढ़िया है और कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी भी खासी अच्छी है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है कि कंपनी के जो कुछ भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जब भी कभी किसी की डिमांड ज़्यादा होती है कभी किसी की कम होती है, तो उससे क्या होता है कि रेवेन्यू एडजस्ट हो जाता है और कंपनी का रेवेन्यू कम नहीं होता है। अब जैसे कि एक और थर्ड पॉइंट मैंने आपको बोला कि कंपनी का काम सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज में कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। अब इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की हम अब बात करेंगे, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। अब R&D की भी कंपनी की कैपेबिलिटीज काफ़ी अच्छी है और कंपनी R&D के ऊपर भी काफ़ी एक्सपेंस कर रही है। अब ये कंपनी IPO लेकर क्यों आ रही है, देखिए अपनी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करेगी। देखिए कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे कंपनी IPO लेकर आई है। अब लास्ट में अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो हर साल यहाँ पर आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए 2020 में 489 करोड़ का रेवेन्यू था और अभी अगर आप देखोगे तो 655 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू रहा है। तो देखिए ये जो अभी मार्च 2021, यानी कि ये जो पूरा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था, ये उसका रेवेन्यू, तो अगर आप देखोगे तो हर साल यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 25 से 30% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि कंपनी अपने प्रोडक्ट लगातार अच्छे तरीके से ऐड कर रही है। अब उसके बाद में अगर हम मार्जिन परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये देखिए हर साल यहाँ पे कंपनी के मार्जिन अच्छे से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 20.6% का नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही अच्छा मार्जिन है, और अगर ये रेवेन्यू अच्छे तरीके से और बढ़ेगा तो ये मार्जिन 25% तक भी जा सकता है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई भी चीज़ें, मतलब ऐसी कोई बैड चीज़ें नज़र नहीं आती है।
अब इसके बाद अगर हम बात करें तो आनंद स्वरूप अग्रवाल जो कि अपना स्टेक इस कंपनी में बेच रहे हैं, और एएसए फैमिली ट्रस्ट, ये दोनों एएसए फैमिली ट्रस्ट एक ट्रस्ट है जो ये दोनों मिलकर अपना स्टेक इस कंपनी में अभी बेच रहे हैं। अब इस आईपीओ की अगर हम बात करें तो 23 को ये आईपीओ ओपन हो रहा है, 25 को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अगर आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो 296 का इसका कट ऑफ प्राइस है, तो रिटेल इन्वेस्टर ये मान के चलिए कि 296 आपको एक शेयर के देने हैं और 50 शेयर्स का यहाँ पर लॉट है। उसके बाद अगर हम इश्यू साइज की बात करें तो 800 करोड़ का ये आईपीओ है और 100 करोड़ यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ के लिए जाएंगे और 700 करोड़ यहाँ पे ओएफएस यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी जेब में जाएंगे। अब ये देखिए, अगर हम देखें तो अलॉटमेंट डेट की अगर हम बात करें तो 30 जून 2021 को अगर आपने इसमें अप्लाई किया है तो अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो उसके बाद अगर हम क्रेडिट कब होंगे, अगर आपको शेयर्स मिलेंगे तो आपको 2 जुलाई को आपको ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अगर लिस्टिंग की बात करें तो 5 जुलाई 2021 को ये लिस्ट हो जाएगा, मतलब ट्रेडिंग होना इसमें चालू हो जाएगी। अब इसके बाद अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की इसके अंदर अगर हम बात करें तो मिनिमम आप एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसमें आपको 14,800 रुपीस चाहिएंगे, और मैक्सिमम आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी के अंदर 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसमें आप 1,92,400 रुपीस आपके पास होने चाहिए। अब इसके बाद अगर हम वैल्यूएशन की बात करें जो कि हर आईपीओ के लिए बहुत जरूरी होता है तो वो देखिए, 12.07 का यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, तो अगर हम देखेंगे तो अराउंड 24 या 25 का यहाँ पे जो इसका 296 का कट ऑफ प्राइस है तो उसके हिसाब से 24 से 25 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे कंपनी का निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव नजर आता है, लेकिन जो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो काफी अट्रैक्टिव है। ये देखिए 34.54%, तो देखिए मेरे ख्याल से ये मार्केट पॉजिटिव वे में ले सकता है, लेकिन जो नेट एसेट वैल्यू है वो है 34.94, यानी कि जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो अराउंड 8-9 times निकल कर आता है। तो वैल्यूएशन का कंसर्न यहाँ पे नजर आता है, और अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो जो लोग यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे जो रिसेंटली अभी 4 आईपीओ के अभी हुए हैं सब्सक्रिप्शन हुए तो उनका कुछ खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है, और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी इतना अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए अभी लोग आईपीओ को इन्वेस्टमेंट करना आईपीओ में या फिर अप्लाई करना थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। तो इसीलिए जो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं तो वो यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब अगर लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपको लिस्टिंग गेन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक अच्छा नजर आता है, और जिस तरीके से ये कंपनी लगातार ग्रो रही है और अभी वर्किंग कैपिटल के लिए 100 करोड़ यहाँ पे कंपनी यूटिलाइज करेगी तो उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आने वाले क्वार्टर्स में फर्क पड़ेगा, तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली यहाँ पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको इंडिया पेस्टिसाइड के आईपीओ का एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।